मेरी दुनिया मेरी क्या जिंदगी भर की पूंजी लूट के ले गए। मैं गरीब आदमी हूँ, क्या कहते हैं, धनिया मिर्ची बेचता हूँ, ठेला चलाता हूँ। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, शर्ते लागू। अंकल किस तरह की चाबी बनवाने के लिए किसको बुलाया, क्या हुआ? यहाँ से गली में से वो बोल रहे थे चाबी बनवा लो, मैंने कहा मैं तो अकेला बैठा हूँ, इसको बुलाया भाई चाबी बना के दे, बाहर की बनाएगा? बोले बाहर की बनाएगा, हाँ बोले बाहर की बनाई, बाहर की चाबी बनाई। फिर मेरे से पूछा चाबी कहाँ है इसकी, तो हमारी चाबी क्या है, एक ही चाबी तीन लॉकर खोलती, तो इस चक्कर में मैंने कहा बाहर की चाबी अलग करवा देता हूँ, इसको बोला भाई बाहर की चाबी बना। तो उसने ऐसा करा, वो मेरे से ली चाबी, दो चार हथौड़े मार दिए, बिल्कुल ख़राब कर दी। अब ख़राब कर दी, मैंने तो उसको बोला भाई ये तूने चाबी क्या किया, ख़राब कर दी, मेरा लॉकर कैसे खुलेगा? फिर बोला मैं खोलता हूँ, बाहर का लॉकर खोल दिया मैंने, सारा सामान उठा के अपने अंदर कमरे में रख दिया, अलग पैसे टके जो भी थे अंदर रख दिए, और अंदर जो था चोर लॉकर उसमें मेरा सोना वगैरह पैसे थे, उसमें करीब 9 तोला सोना है और पैसे पड़े थे 50,000 करीब, वो तो पैसे पड़े हैं, FD पड़ी थी वो पड़ी है, खाली चांदी की पायल वगैरह पड़ी है, खाली सोना लेके गए। खोलने के बहाने मेरे को बोला ये हमसे खुलता नहीं है, कल आऊँगा फनर लेके, कल खोल दूंगा। अंकल करीब कितने का नुकसान हुआ? करीब करीब मेरे ख्याल से 5-6 लाख रुपया। कौन लोग थे, जानते थे? सरदार थे मेरे हिसाब से, लबाने सरदार है। अच्छा। मेरे को बोला मैं कवर राम के पीछे रहते हैं। ये थाने पे रिपोर्ट दी आपने? हाँ मैंने दे दी। कौन थाना? किलाक टावर पे। पुलिस आई? पुलिस भी आई, पुलिस अभी तक नहीं आई है भाई, आप भी आ जाए हो, पुलिस नहीं आई, पुलिस ने बोला कल आ जाएंगे। आपका नाम? हो जाएगा। मेरा नाम परमानंद आसनानी, मेरी घरवाली डिप्रेशन में और परेशान है। जगह कौन सी है? ये झूलेलाल चौक बाबा ईसरदास की गली। मेरी दुनिया मेरी क्या जिंदगी भर की पूंजी लूट के ले गए। मैं गरीब आदमी हूँ, क्या कहते हैं, धनिया मिर्ची बेचता हूँ, ठेला चलाता हूँ। बताइए क्या मामला हुआ, क्या किस जगह पे मकान आपका? हमारा मकान आशागंज में झूलेलाल चौक पे 422/25 परमानंद आसनानी के नाम से मकान है। गली में क्या चाबी बनाने वाले आए थे तो उन्होंने बोल रहे थे भाई चाबी बनवा लो। तो मेरे पापा को, परमानंद आसनानी को, नॉर्मली गेट की चाबी बनवानी थी, तो उन्होंने बोला कि आप चाबी बना दोगे? तो बोले हाँ अंकल हम चाबी बना देंगे। तो उन्होंने बाहर की गेट की चाबी बनाने के लिए चालू हुई है तो पूछा कि पहले आपके पास कोई चाबी है? तो इन्होंने बोला कि हाँ पहले हमारे पास चाबी है, पर हमारे क्या तीनों ही लॉकर उसी से ही खुलते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई अंकल वो चाबी हमको दो। तो इन्होंने चाबी दे दी और उन्होंने अपने हथौड़े से उसको चाबी को ख़राब कर दिया। तो इन्होंने, पापा ने ऐसे बोला, परमानंद आसनानी ने, कि ऐसे बोला कि भाई अब तो मेरा लॉकर खुलेगा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा? तो बोले कि अंकल टेंशन मत लो, मैं आपका लॉकर खोल दूंगा। तो उसने लॉकर तो खोल दिया, जो मेन लॉकर था उसने खोल दिया, उसके अंदर से मेरे पापा ने पैसे वगैरह जो थे वो हटा दिए। वो 5 मिनट के लिए ओझल क्या हुए, उन्होंने चोर लॉकर खोल के उसके अंदर से जो सोना था, सोने की डब्बी थी, वो डब्बी चुराई है, और एक पर्स था डेटाराम गोल्ड ज्वेलर्स का, वो पर्स चुराया है। आधा मेरा सोना था, आधा मेरे पापा का सोना था। उन्होंने करीबन नहीं करके 5-6 लाख रुपए का सोना 9-10 तोला चुराया है यहाँ से, और वो लॉकर, चोर लॉकर भी उन्होंने बंद कर दिया और मेरे पापा के सामने ऐसे करने लगे कि भाई वो लॉकर तो खुला ही नहीं है, चाबी नहीं बनेगी, उसकी चाबी नहीं बनेगी। तो उन्होंने बोला कि हम 7 बजे आएंगे अंकल, तो आपके ना वो फनर लेके आऊँगा, तो आपका ना लॉकर खोल दूंगा। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है तू आया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मदारी गेट से किसी को बुला के और लॉक खुलवा दूंगा। तो वो बोला नहीं नहीं अंकल विश्वास करो, मैं आ जाऊँगा और मैं अपने 50 रुपये भी बाद में आके लूँगा, कि जो मेरी मजदूरी है मैं वो बाद में आके लूंगा, आपको पहले चाबी बना के दूंगा। वो क्या मजदूर भी लेके गए थे क्या आप लोगों से? नहीं मजदूरी नहीं लेके गए, वो दो जने थे, 50 और 25-30 के बीच में, एक
एक 50 साल की उम्र का आदमी था और एक 25 साल की उम्र का आदमी था, और उन्होंने ऐसा किया कि भाई इनको पता ही नहीं चला कि भाई, और वो दूसरे दिन तो आए भी नहीं, ना 7 बजे आए ना दूसरे दिन आए। की घटना है ये घटना है करीबन 12-13 तारीख की। 12-13 तारीख के। आप लोग कहाँ चले गए, इतने दिन कहाँ गए थे आप लोग? मैं तो मेरे ससुराल में थी, मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ था, तो मैं तो 15 दिन से आई नहीं। अब ये दो मेरे मम्मी पापा ही है, मम्मी थोड़ी डिप्रेशन में है मेरी, तो इसको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, सब चीज़ें मेरे पापा ही संभालते हैं। तो उन्होंने खाली इतनी सी गलती हो गई कि वो पैसे रखने यहाँ से वो सामने वहाँ पे गए, क्योंकि एक ही कमरा है, एक ही कमरे में। तो उन्होंने बोला कि भाई बाहर का लॉक ही तो बनवाना है, मैं बैठे बैठे बनवा दूंगा। उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आया। आपको ये कल कैसे मालूम पड़ी, इसकी मालूम जरूर? इन्होंने उस दिन के बाद में डुप्लीकेट चाबी ढूंढ के इन्होंने लॉकर खोला, तो उनको पता चला कि भाई वो सोने की डब्बी और वो पर्स वो गायब है। तो इन्होंने पहले पुलिस में है ना कंप्लेंट दर्ज कराई, जो पुलिस वालों ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। हम लोग बहुत परेशान हैं, ये धनिया मिर्ची बेचने वाले हैं, ये रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, इनका घर का खर्चा अभी ऐसे चल रहा है कि इनका बेटा बाहर है जो इनको पैसे भेजता है, जो ये खाना खाते हैं, ये तो गरीब है इनको। तो पूरा नाम बताओ। मेरा नाम नेहा असनानी है। आपका ससुराल कहाँ पे है? मेरा ससुराल पहाड़गंज में है, गंगा माता के।